यूसीसी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड धारा 370 से अलग है, 370 एक राज्य का मामला है था, यूसीसी पूरे देश पर प्रभाव डालेगा, अगर लागू हुआ तो इसके परिणाम वो दुष्परिणाम उतने ही बड़े हो सकते हैं। प्रशांत किशोर समस्तीपुर। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर तरह तरह की बहस छिड़ी हुई है, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं पिछले 20 से 25 सालों से है, दो को उन्होंने लागू कर दिया है तो स्वाभाविक और तौर पर उनकी बहुमत है और देश में उनकी बड़ी ताकत भी है, इसलिए तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे, इस मुद्दे पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए, भाजपा की सरकार यदि रहेगी आज रहे ये अगली सरकार चुनकर अगर आ सक जाती है तो, और लोगों ने उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में है उसे लागू करेंगे ही, जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तब ये मुद्दे उनके घोषणा पत्र में था, लागू नहीं हुआ था, अब जनता जो वोट करके उन्हें सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक है कि लागू करने का प्रयास करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर, 370 और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं पिछले 20-25 साल से है, दो मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए, स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे, इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए, भाजपा की अगर सरकार रहेगी आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे, जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तो ये तीनों मुद्दे उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लागू नहीं हो रहा था, अब जनता जब मत देकर उनको सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो उनके घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसको लागू करने का वो प्रयास करेंगे, आसान नहीं है, जो देश की डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए यूसीसी लागू करना इतना आसान है नहीं जितना आपको लगता है, ये एक जैसे धारा 370 वो एक कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के एक भूभाग को इफेक्ट करता था, मानसिक तौर पर भले वो पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो लेकिन इफेक्टिवली जो लोग उससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए वो तो एक राज्य के लोग थे, राम मंदिर बना उससे भी पूरा देश, पूरे देश की जनता नहीं प्रभावित होती, जो राम मंदिर की भावना से जुड़ा है उसके पक्ष में विपक्ष में उससे वो लोग प्रभावित हुए, लेकिन यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि देश की बड़े जनसंख्या को प्रभावित करता है सीधे तौर पर, तो ये लागू करना ज्यादा कठिन है और अगर लागू होता है तो उसके परिणाम या कुपरिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस देश के फाउंडिंग फादर्स के विचारों को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, इंक्लूडिंग संघ के लोगों का, उन्होंने भी देश के स्तर पर हर चीज में एकरूपता हो इसका कभी समर्थन नहीं किया, इंक्लूडिंग जो भाजपा के खुद संघ के जो गुरुजी रहे हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे उस दौर का, तो उन्होंने भी एकदम एकरूपता कर दिया जाए हर चीज का, खान पान में, रहन सहन में, विचार व्यवहार में, धर्म के नाम पर या किसी संस्कृति के नाम पर, वो मुझे लगता है कि प्रकृति के विपरीत है, बिहार का एक की एक अपनी आइडेंटिटी है, यहाँ का अपना कल्चर है, यहाँ का अपना खान पान है, तमिलनाडु का बिल्कुल अलग है, और भारत की जो ताकत है, जो आज की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो भी प्रधानमंत्री भी यही बताते हैं कि विविधता में एकता ही ताकत है।